अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शफ़ासत और आप लोग देख रहे होंगे मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मशीन रखी हुई है और ये है कॉफ़ी मशीन। सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें पानी और यहां पे आप देखेंगे कॉफ़ी मेकर में बैक साइड पर एक इसका ये टैप लगा हुआ है और इस पर आप देख रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम दो आपको लेने दिए हैं। ठीक है, तो अब इसको हम पानी से फिल करते हैं। अब हमने क्या करना है, कॉफ़ी को हमने इसमें ऐड करना है। उसके लिए मेजरिंग हमारे पास स्पून है और उसके साथ इसके बैक का जो ये पार्ट है इसको कहते हैं टैंपर, जिससे हम कॉफ़ी को टैंपर करेंगे। तो यहां पर और ये एक जो है इसमें आप आराम से दो कप बना सकते हैं स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, और अगर आप चाहें कैपेचिनो वगैरह तो वो आप आराम से इसको बना सकते हैं चार से छः कप। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर जो हमारे पास स्पून दिया हुआ है उसमें हम कॉफ़ी ऐड करेंगे। ठीक है, आप कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं, ठीक है, फ्लेवर कॉफ़ी भी ले सकते हैं और सिंपल कॉफ़ी भी ले सकते हैं। स्पून से हमने इसको फिल किया, अब आ रही है इसको टेम्पर करने की, तो इसको आप इस तरह से ये टेम्पर करें। ठीक है, टेम्पर किया और उसके बाद इसको आपने खा के इधर लगा दिया। अच्छा, अब इसी लीवर में आप देखेंगे हैंडल में एक ये दिया हुआ है, ये छोटा सा लॉक। ठीक है, ये लॉक है बेसिकली, जब आप इसको टेम्पर करेंगे तो फिर ये आराम से आप इसको उठा सकते हैं। अगर ये लॉक नहीं होगा तो ये जो आपका जिसमें हमने कॉफ़ी डाली है ये भी ऊपर उठाएगा, तो ये आपने ख्याल रखना है। अब हमने इसको फिल कर लिया कॉफ़ी के साथ, अब आ गया इसको एडजस्ट करने की। अब इसको एडजस्ट कहाँ करना है आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर लॉक का निशान है, ये है इंसर्ट, तो आपने इसको लॉक को नीचे कर देंगे। ठीक है, और इसको आप आराम से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ये मैंने यहाँ रखा इंसर्ट पर, और इंसर्ट पर रखने के बाद आपने इसको घुमा देना है कहाँ पर लॉक किया है, और ये हमने इसको लॉक कर दिया। ठीक है, सबसे नीचे वाले बटन को प्रेस करेंगे और ये ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब ये ब्लिंक करना बंद कर देगा इट्स मीन कि आपकी कॉफ़ी तैयार है, आप ऊपर वाला बटन प्रेस करके कॉफ़ी से निकाल सकते हैं। आपने देखा लाइट ब्लिंक होना बंद कर दिया है लाइट में, इट्स मीन कि रेडी है। अब आप कप ले लीजिए। अच्छा, एट अ टाइम आप दो कप भी रख सकते हैं, और एक कप में बनाना चाहें एक कप बना लें। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं रखूँगा दो कप। ठीक है, इस तरह से आपने दो कप रख दिए, और अब मैं बनाऊंगा इन दो कप में, एक में हम बनाएंगे कैपेचिनो, ठीक है, जो कि मोस्ट फेवरेट कॉफ़ी है, और एक में हम बनाएंगे एक्सप्रेसो। अब आपने इसको प्रेस करना है सेंटर वाले बटन को, तो कॉफ़ी हमारे आना शुरू हो जाएगी। कॉफ़ी हमारे पास आना शुरू हो गई है। ठीक है, अब आप डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग बनानी है लाइट बनानी है, उस हिसाब से आप कॉफ़ी आने देंगे और उसके बाद इसको स्टॉप कर देंगे। जितना आपको कॉफ़ी चाहिए उस हिसाब से इसको आप स्टॉप कर देंगे। ये मेरे पास इस वक्त बिल्कुल तैयार है, अब मैं इसको ऑफ कर दूंगा। और अब हम लेंगे, क्योंकि कैपेचिनो हम बनाएंगे तो अब हमें दूसरे कप में, मैं ले रहा हूँ दूध ले रहे हैं। अब बारी है दूध को फॉर्म और क्रीमी करने की, तो दूध हमने ले लिया और यहाँ पर इन कप को हम हटा लेंगे। और ये देखिए इसकी लुक कॉफ़ी की कितनी ज़बरदस्त आ रही है। और एक्सप्रेसो के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी कॉफ़ी में हम डालेंगे गर्म पानी। ठीक है, और कैपेचिनो के लिए हम डालेंगे इसमें दूध, तो पहले कैपेचिनो का काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लीवर लगा हुआ है, इसको हमने क्या करना है, कप को आपने इस लीवर को यहाँ कप को यहाँ रखेंगे। ठीक है, और इस लीवर को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद अपनी सबसे नंबर वन जो ऑप्शन है इसको हम प्रेस करेंगे। ठीक है, इसको और जो है हमने तीन तरह की कॉफ़ी इसकी डेमोस्ट्रेट करके बताया कि किस तरह से आपने इसको ऑपरेट करना है, पानी कहाँ डालना है, कॉफ़ी किस तरह से, लीवर किस तरह से लगेगा। और इसके साथ ये मैनुअल भी मौजूद है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको जो है पढ़ सकते हैं और इसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें बहुत तरह की कॉफ़ी आप मजीद बना सकते हैं, चॉकलेट के साथ और डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ भी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेन क्या है कि जो आपको कॉफ़ी का एक्स्ट्रैक्ट चाहिए वो आप इसे आराम से सेकंडों में ले सकते हैं। तो आप बनाइए, इसको इन्जॉय कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस मशीन की परफॉर्मेंस कैसी लगी, और कॉफ़ी जब आपने इसमें बनाई तो आपको कैसी लगी, और ज़िंदगी आपकी बहुत आसान हो जाने वाली है अगर आपने ये मशीन अगर आपने ले ली। तो इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मज़ीद इसी तरह की रेसिपीज़ के साथ होगी, आपसे मुलाकात।